दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये होली हिरासत में बीतेगी और उनकी ये होली बदरंग की है। दिल्ली शराब घोटाले ने इस मामले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल के 6 दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में बीतेगी। गुरुवार 21 मार्च को हिरासत में लिए गए अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार यानी 22 मार्च को दिल्ली के रावर्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें पेश की और केजरीवाल के वकीलों की फौज कुछ ज्यादा ही लंबी थी। तीन तीन वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें पेश की। जज ने लंबी चौड़ी तकरीरें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और कुछ ही घंटे बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने 28 पन्ने की ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पर दलीलों के आधार पर केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में 6 दिन रहेंगे, जबकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अब जरा देख लेते हैं कि ईडी की दलीलें क्या थी और केजरीवाल के वकीलों ने क्या जवाब दिया। ईडी के वकील ने कहा, रिमांड याचिका में आबकारी नीति केस का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। तो केजरीवाल के वकील ने कहा, रिमांड ऑटोमेटिक नहीं है, इसे पीएमएलए जैसे कानून के प्रावधानों को पूरा करना होगा। ईडी के वकील ने कहा, नीति इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए, क्योंकि जब गिरफ्तारी करना मुश्किल होता है तो व्यक्ति को छोड़ना भी मुश्किल होता है। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल घोटाले के सरगना है और उन्होंने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि किसी को दोषी मानने की वजह और ईडी के पास मौजूद सबूत के बीच एक तार्किक संबंध होना चाहिए। ईडी के वकील ने कहा, अपराध की कमाई का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में किया गया। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि पहली चीज जो हमें दिखानी चाहिए वो है गिरफ्तारी की जरूरत थी। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि आपके पास अधिकार है तो आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ईडी के वकील ने कहा कि सिसोदिया के सचिव ने बताया कि सिसोदिया ने उन्हें 2021 में केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। इस मामले में सिसोदिया भी गिरफ्तार है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि पूरी रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। जब ईडी वकील की ओर से कहा गया कि विजय नायर केजरीवाल का बेहद करीबी था और उसी के जरिए के कविता ने आपको 300 करोड़ रुपए दिए थे, इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर ईडी के पास सब कुछ है तो हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहते हैं। ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की, इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है। इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति पर मिलकर काम करना चाहिए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, अगर मेरे मुवक्किल के अंडर काम करने वाला कोई शख्स बयान देता है तो क्या कोर्ट उसे सबूत मान सकती है। ईडी ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ, जिस पर केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जिक्र किया और कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। जब ईडी के वकील ने दलील दी कि चैट के मुताबिक हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ ट्रांसफर किए गए, कई लोगों को भारी नकद राशि सौंपी गई, तो इस पर केजरीवाल के वकील की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। जब ईडी के वकील ने कहा, आप एक कंपनी है और गलती के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में और भी दलीलें हुई, लेकिन आखिरकार जज का फैसला आया और केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिए गए। इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे।
कोर्ट में पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार कुछ कहा। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। बहरहाल केजरीवाल हिरासत में हैं, लेकिन दो दिन पहले शुरू हुआ वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है कि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले हैं। कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज से ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी, क्या नए खुलासे होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश का चुनावी माहौल गर्म हो गया है।